कुरकुरी भिंडी बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सबसे पहले भिंडी को लेंगे, उसे किनारे दोनों साइड में काट लेंगे। एक भिंडी का यहाँ पे हम लोग चार भाग करेंगे। पहले बीच से चीरा लगा कर काट लेंगे, उसके बाद फिर से काट कर जब सारा भिंडी कट हो जाएगा तो एक बाउल में डालेंगे। उसमें मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, उससे भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें बेसन डालेंगे 2 चम्मच। यहाँ पर मैंने चना का बेसन लिया है, आधा चम्मच ये चावल का आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, आप चाहे तो पानी स्किप कर सकते हैं। अच्छे से कोट करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेसन में भिंडी कोट हो चुका है। अब हम लोग कढ़ाई में तेल गरम करके इसे फ्राई करेंगे। एक बार में 7 से 8 पीस डालेंगे, आँच को मध्यम ही रखेंगे। थोड़ी देर के बाद इसे पलट लेंगे। ऐसा करने से भिंडी दोनों साइड में से अच्छे से पक जाएगा। थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे पकाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद थोड़ा सा आँच तेज करके इसे क्रिस्प कर लेंगे। ये देखिए ये भिंडी, कुरकुरी भिंडी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ऐसे ही सारे भिंडी जो बचे हुए हैं उसे 7-8 पीस एक बार में रख के चलाते हुए पहले ब्राउन करेंगे, उसके बाद थोड़ी तेज आँच करके क्रिस्प करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। कुरकुरी भिंडी की रेसिपी बनाना बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप अपने मनपसंद डिश के साथ इसे सर्व करें। आप इस विधि से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।